हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास है रियलमी 11 प्रो 5G और हम इसमें आज यूवी ग्लास को इंस्टॉल करेंगे। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप दिखा देते हैं आप लोगों को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। देखिए, पहले तो हमें पूरा ग्लास को क्लीन कर लेना है। उसके बाद देखिए, इसके जो पैकेट है उसको हम काटेंगे एंड इसके अंदर एक क्लॉथ है, मतलब ग्लास क्लीनिंग करने की पूरी प्रोडक्ट इसमें है। तो हम क्या करेंगे, इस स्टिकर को ले लेंगे, ग्लू स्टिकर को हम ले लेंगे। इसके ज़रिए हम क्या करेंगे, ग्लास के ऊपर जितने भी डस्ट है आप एक एक करके सारे डस्ट को निकाल देंगे। क्योंकि एक डस्ट अगर रह जाता है ग्लास के ऊपर तो बाद में वो चमकता है ग्लास इंस्टॉल करने के बाद। इसलिए हमें पूरा ध्यान देना होगा कि ग्लास के ऊपर कोई भी एक भी डस्ट नहीं रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो ग्लू है उस पैक के अंदर आपको मिल जाएगा। ग्लू को हम पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा बचा के रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, पूरा मिडिल में रखना है इस ग्लू को, ग्लू को डिस्प्ले की पूरा बीचों बीच रखना है। उसके बाद हमें ध्यान देना होगा, इस तरह सडनली ग्लास को नहीं बिठाना है, हमें थोड़ा इस ग्लू को डिस्प्ले के बीच में ले जाना है। उसके बाद ग्लास को धीरे से छोड़ देना है, ठीक है। अगर साइड से निकल जाते हैं ग्लू तो उसको क्लीन कर लेना है साथों साथ, क्योंकि वो स्विच या स्पीकर के अंदर जा सकता है। इसलिए निकलने के साथ ही हमको क्या करना होगा, रिमूव कर देना हो, क्लीन कर देना होगा। क्योंकि ऊपर हिस्सा जो है वो तो क्लियर हो चुका है, नीचे हिस्सा जो है वो थोड़ा बाकी है। हम क्या करेंगे, एक साइड को डाउन करेंगे, एक साइड को अप करेंगे। वो हमें ग्लास के ऊपर टच नहीं करना है, बस एक साइड डाउन एंड एक साइड अप करना है। बस अपने आप वो ग्लू सारे साइड में बीचों बीच बैठ जाएगा ग्लास। उसके बाद हमें क्या करना होगा, इस यूवी लाइट को जला के उसके बाद ऊपर में 5 से 6 मिनट तक ऐसे करके रखना है। देखिए मेरे पास क्या है, मेरे पास जो है वो यूवी लैम्प है, हम उसके अंदर डाल देंगे। अभी क्या करेंगे, इसको हम उस लैम्प के अंदर डाल देंगे। उससे क्या होगा, हमें